और अब बात अब्बास अंसारी की। अब्बास अंसारी से जुड़ी खबर यह है कि कासगंज जेल से गाजीपुर जेल पहुंचा अब्बास अंसारी, मुख्तार के फातिहा में शामिल होगा अब्बास, और अब्बास को 3 दिन की कस्टडी पैरोल दी गई है। 3 दिनों तक गाजीपुर जेल में ही अब्बास अंसारी को रखा जाएगा। 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल पहुंचेगा अब्बास। ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है। मुख्तार की मौत के बाद जनाजे में शामिल होने के लिए भी इजाजत मांगी थी अब्बास अंसारी ने, लेकिन इजाजत नहीं मिली थी, और अब कासगंज जेल से गाजीपुर जेल पहुंचाया गया अब्बास अंसारी को। मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा और उसकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी इस चीज की, और कोर्ट ने इजाजत दी है 3 दिन तक, और परिवार वालों से मुलाकात की भी इजाजत यहां पर मिली है। तो ऐसे में गाजीपुर जेल में रहेगा और बीच में परिवार वालों से भी मिलने दिया जाएगा, कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए भी अब्बास अंसारी जाएगा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच कासगंज जेल से लाया गया अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल। मनीष मिश्रा गाजीपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। मनीष, गाजीपुर जेल पहुंचा दिया गया है अब्बास अंसारी को, कब कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जाएगा, कब परिवार वालों से मुलाकात होगी, कोई जानकारी अपडेट मिल पाया हो तो? देखिए, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 3 दिनों की कस्टडी पैरोल दी है, जिसके तहत उसको कासगंज जेल से गाजीपुर जेल आज लाया गया है। और अभी कुछ मिनट पहले ही अब्बास अंसारी को सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर जेल के अंदर ले जाया गया है। आपको बता दें कि आज ही यहां पर उसकी जेल में एंट्री हुई है, कुछ कानूनी कागजी कार्रवाइयां होंगी, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को यहां से मोहम्मदाबाद ले जाया जाएगा, मुख्तार अंसारी के पैतृक घर, जहां पर वो कार्यक्रमों में शामिल होगा। और मोहम्मदाबाद के बाग कब्रिस्तान में, जहां पर मुख्तार की कब्र है, वहां पर शाम को फातिहा का कार्यक्रम है, जिसमें अब्बास अंसारी शामिल होगा। जी ठीक है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो काफी कड़ी सुरक्षा के बीच मनीष लाया गया है, बताया जा रहा है परिवार वालों से मिलने के लिए भी कुछ वक्त दिया जाएगा, और 3 दिन तक, क्योंकि गाजीपुर में ही रहेगा, जेल में ही रहेगा, तो बीच में जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि कल या परसों परिवार वालों से मुलाकात भी हो सकती है, इसे लेकर कोई जानकारी मिली हो तो? आज, कल और परसों 3 दिनों तक गाजीपुर जेल में ही अब्बास अंसारी रहेगा, और आज फातिहा का कार्यक्रम है मुख्तार अंसारी का, जिसमें उसे मोहम्मदाबाद ले जाया जाएगा, मुख्तार की कब्र पर वो जाएगा, फातिहा पड़ेगा, इसके साथ कल और परसों भी वो गाजीपुर जेल में ही रहेगा। जेल मैनुअल के हिसाब से वो इस दौरान अपने परिजनों से मुलाकात कर सकता है, ऐसा कोर्ट ने आदेश दे रखा है। जो भी जेल मैनुअल कहता है, जेल मैनुअल कहता है कि एक बार में 3 लोग भी उससे मुलाकात कर सकते हैं, तो उन लोगों से वो अपने परिजनों से जेल में रहते हुए भी मुलाकात कर सकता है। और 13 तारीख को वापस अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल से कासगंज जेल पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है।